हेलो फ्रेंड, वीडियो में मैं दो प्रोजेक्टर का कंपैरिजन करने वाला हूँ, जिसका नाम है ईगेट i9 प्रोजेक्टर और यूनिक U46 प्रोजेक्टर। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था यूनिक U46 प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग का। इसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, उन्होंने कहा कि आप ईगेट i9 प्रोजेक्टर और यूनिक U46 के बीच में कंपैरिजन बनाइए वीडियो एक, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ईगेट i9 LED प्रोजेक्टर यूज़ कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे ईगेट i9 मीराकास्ट LED प्रोजेक्टर नहीं यूज़ कर रहा हूँ कंपैरिजन के लिए। ये ईगेट i9 मीराकास्ट LED प्रोजेक्टर, फ्रेंड्स, ईगेट i9 LED प्रोजेक्टर का अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि मैं यहाँ पे कंपेयर के लिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, उसी तरह यूनिक U46 LED प्रोजेक्टर मैंने यूज़ किया यहाँ पे कंपैरिजन के लिए। यूनिक U46 प्लस LED प्रोजेक्टर मैंने यूज़ नहीं किया है, जो कि यूनिक U46 का अपग्रेडेड वर्जन है। फ्रेंड्स, ये जो प्रोजेक्टर मैंने बताया उसका मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि ईगेट i9 LED प्रोजेक्टर वर्सेस ईगेट i9 मीराकास्ट LED प्रोजेक्टर के बीच में क्या कंपैरिजन है, क्या स्पेसिफिकेशन है, मैं उसको आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगली वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे आपको कोई वीडियो मिस नहीं होगी और आप इजीली हमारी वीडियो को देख सकते हैं जैसे ही हम अपलोड करेंगे। फ्रेंड्स, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राइस से कि दोनों प्रोजेक्टर की प्राइस क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, ईगेट i9 LED प्रोजेक्टर की प्राइस है 5,990 रुपीज़, इसे आप नियरली 6,000 के आसपास ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, यूनिक U46 प्रोजेक्टर की प्राइस है 4,700 रुपीज़ या 4,800। ये प्राइस फ्रेंड्स अलग अलग ई कॉमर्स साइट पर डिफर कर सकती है, तो प्लीज़ इसे आप एक पर्टिकुलर प्राइस न माने और आप अलग अलग जहाँ पर आपको सबसे लो या चीप प्राइस मिले वहाँ से आप उसे परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम आते हैं अगले अपने स्पेसिफिकेशन पे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स डिस्प्ले से, नेटिव डिस्प्ले। तो फ्रेंड्स, ईगेट i9 प्रोजेक्टर का डिस्प्ले है 400x480, यानी जिसे हम 480p भी कहते हैं, ये इसका नेटिव डिस्प्ले है। और फ्रेंड्स, वैसे ही यूनिक U46 प्रोजेक्टर का नेटिव डिस्प्ले है 400x480 या 480p से हम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का नेटिव डिस्प्ले सेम है। और उसके बाद आता है फ्रेंड्स सपोर्टेड डिस्प्ले। ईगेट i9 का सपोर्टेड डिस्प्ले है 1080p, यानी 1920x1080 pixels। और वैसे ही फ्रेंड्स यूनिक U46 का भी सेम है, 1920x1080 pixels, जिसे हम 1080p भी कहते हैं अगर अपने वीडियोज़ में हम देखते हैं तो। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आता है हमारा स्क्रीन ब्राइटनेस, स्क्रीन की ब्राइटनेस कितनी है। तो फ्रेंड्स, ईगेट i9 प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस है 1500 लुमनस। हम ब्राइटनेस को लुमनस में कंपेयर करते हैं तो फ्रेंड्स ईगेट i9 की ब्राइटनेस है 1500 लुमनस, 1500। और फ्रेंड्स, वैसे ही यूनिक U46 की ब्राइटनेस है 1200 लुमनस। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें डिफरेंस दिख रहा है, ईगेट i9 का 1500 लुमनस है वैसे और यूनिक U46 का 1200 लुमनस है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्राइटनेस का डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम इसके फिजिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले ईगेट i9 प्रोजेक्टर में हमें एक इंटरनल स्पीकर मिल जाएगा, वैसे ही फ्रेंड्स ठीक उसी तरह यूनिक U46 में भी हमें एक इंटरनल स्पीकर मिलेगा, जिसे हम कोई भी वीडियो या ऑडियो देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, हमें कोई भी एक्सटर्नल स्पीकर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, हम आते हैं अगले पे, जो है दो USB पोर्ट हमें ईगेट i9 LED प्रोजेक्टर में मिलेंगे, 1 HDMI पोर्ट मिलेगा, 1 VGA पोर्ट मिलेगा, 1 AV पोर्ट मिलेगा और 1 HD कार्ड पोर्ट मिलेगा। सेम फ्रेंड्स, यही हमें यूनिक U46 में मिलेगा, 2 USB पोर्ट्स, 1 HDMI पोर्ट्स, 1 HD कार्ड पोर्ट, 1 VGA पोर्ट एंड 1 AV पोर्ट, जिसे हम अपने सेटअप बॉक्स या डिश टीवी को भी अपने प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं दोनों ही प्रोजेक्टर में। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा डिफरेंस हमारा यहाँ आता है कि ईगेट i9 प्रोजेक्टर को हम वायरलेसली अपने फ़ोन से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं या अपने लैपटॉप से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यूनिक U46 प्रोजेक्टर को हम वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी फ़ोन से या किसी भी लैपटॉप से। फ्रेंड्स, यूनिक U46 प्रोजेक्टर में वायरलेसली हम किसी भी फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ये सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आता है। और इससे पहले हमें एक डिफरेंस मिला था ब्राइटनेस पे, स्क्रीन डिस्प्ले ब्राइटनेस पे। वहाँ पे ईगेट आई नाइन का 1500 लुमिनस था और यूनिक U46 का 1200 लुमिनस था। फ्रेंड्स दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस हमें वायरलेस कनेक्टिविटी में मिलता है, जहाँ पे हम अपने ईगेट आई नाइन प्रोजेक्टर को वायरलेसली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं और अपने यूनिक U46 प्रोजेक्टर को वायरलेसली किसी भी चीज़ से हम कनेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स हम आगे आते हैं सपोर्टेड फाइल्स में। यहाँ पे हमें यूनिक U46 प्रोजेक्टर में हमें ऑडियो वीडियो टेक्स्ट फाइल और इमेज फाइल सब सपोर्टेड मिलेगा। वैसे ही फ्रेंड्स ईगेट आई नाइन प्रोजेक्टर में भी हमें ऑडियो फाइल वीडियो फाइल और टेक्स्ट फाइल और इमेज फाइल सपोर्टेड मिलेगा। और फ्रेंड्स हम आते हैं सबसे लास्ट हमारे कस्टमर रिव्यूज़ पे। तो फ्रेंड्स ईगेट आई नाइन को 3.9 रेटिंग मिली है आउट ऑफ 5 और यूनिक U46 प्रोजेक्टर को फ्रेंड्स 2.9 रेटिंग मिली है आउट ऑफ 5। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमें ज़्यादा डिफरेंस मिला नहीं लेकिन 2 मेजर डिफरेंस मिले हैं, जो कि है पहला ब्राइटनेस का और दूसरा है वायरलेस कनेक्टिविटी का। जो कि फ्रेंड्स ब्राइटनेस तो यूनिक U46 में कम है लेकिन वायरलेस कनेक्टिविटी अवेलेबल है। वही फ्रेंड्स ईगेट आई नाइन में ब्राइटनेस ज़्यादा है लेकिन वायरलेस कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप मेरा सजेशन जानना चाहें तो मैं अगर कोई प्रेफर करूँगा तो यूनिक U46 को प्रेफर करूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे वायरलेस कनेक्टिविटी मिल रही है और इसका प्राइस भी बहुत ही लो है एज़ कम्पेरिजन टू ईगेट आई नाइन प्रोजेक्टर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के बस इतना ही। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि फ्रेंड्स आपको कौन सा प्रोजेक्टर अच्छा लगा। अगर आप परचेज करने जाएंगे तो फ्रेंड्स कौन सा प्रोजेक्टर परचेज करेंगे इन दोनों के बीच। और अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जैसे कि मैंने ये वीडियो कमेंट पे बनाया था, आपकी भी कमेंट आएगी उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। और अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर न्यू आ गए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्रेंड्स बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे होगा ये कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो फ्रेंड्स आपसे वो वीडियो मिस नहीं होगी, आप उसे तुरंत देख पाएंगे।